हरियाणा के करनाल के एक गांव में दुनिया का 8वां अजूबा देखने को सामने आया है। जी हाँ, धरती अपने आप उठना शुरू हो गई। आप वीडियो को एक बार पूरा देखिए, इसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगी कि इसका क्या कारण रहा और वैज्ञानिक इसका क्या कारण बताते हैं धरती के उठने का। तो आप लाइव वीडियो देखिए एक बार, उसके बाद मैं आपको पूरी लास्ट में बताऊंगी कि क्या रहा इसका कारण। जमीन किस तरह उठने लग रही भाई, ये देखो भाई, जमीन उठने लग रही अपने आप, ये देखो भाई, नया तजुर्बा, जमीन का अपने आप। पानी पड़ेगा भाई नीचे, अपने आप ही जमीन उठन रही, पता नहीं भोलेनाथ ने क्या कर दिया जमीन, जब भोले को जान दिया दोनों ही नहीं उठावेगा। अग लग देख, अग लग दिखी, देख सकते हो भाई, इसके जेरी बच जाएगी, बाकी तो रह जाएंगे। भाई अपने आप ही जमीन उठन रही, पता नहीं भोलेनाथ ने क्या कर दिया जमीन, ये तो भोले को जान दे दोनों ही नहीं उठावेगा। ओए अग लग देख, अग लग दिखी, देख सकते हो भाई, इसकी जीरी बच जाएगी, बाकी तो रह जाएंगे। डोल तुम्हारी ऊपर ऊपर पानी जान लग रहा है, देखो मेरे भाई पानी देख किस तरह जान रहा, नीचा पानी नीचे जा रहा, पानी देख किस तरह जान रहा मेरे भाई, देखो अपारा पुल उठा रहा गया। वो देखे किस तरह पानी जान लग रहा भीतर, देखो वो देख मेरे भाई पानी देख किस तरह जान रहा, नीचा पानी नीचे जा रहा, पानी देख किस तरह जान रहा मेरे भाई, देखो अपारा पुल उठा ले रहा। जैसे कि आपने पूरी वीडियो को देख लिया है, तो ये अजीबोगरीब घटना हुई, अचानक उठने लगी जमीन और हड़कंप मच गया। हरियाणा में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हरियाणा के करनाल में देखते ही देखते जमीन ऊपर उठने लगी और इसमें हड़कंप मच गया और इसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। हरियाणा में विचित्र घटनाक्रम देखने को मिला, इस घटनाक्रम की वीडियो वायरल हो रही है, दूर दूर तक इसकी चर्चा हो रही है। अचानक जमीन उठने की वीडियो को देखकर लोग यहां भी पहुंच रहे हैं खेत में और प्रशासन भी इसकी पड़ताल में लगा हुआ है। मामला निसिंग नर्दक नहर के पास का है और क्या है मामला, क्यों ऊपर उठी जमीन और इसके पीछे का क्या कारण रहा, देखिए यह घटनाक्रम करनाल कैथल रोड पर स्थित एक खेत की है। नर्दक नहर की पटरी के पास बड़े भू क्षेत्र में इन दिनों बरसाती पानी भरा हुआ है। यहाँ खेती बाड़ी होती है और बताया जा रहा है कि बुधवार को अचानक भूगर्भीय हलचल हुई जिससे क्षेत्र में पानी भर गया और जमीन ऊपर उठने लगी और इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों में कौतूहल बन गया। मामले की जांच जो है उसके लिए कुछ ही देर में आसपास के लोग, गांव के लोग, सैकड़ों लोग घटना स्थल पर जा पहुंचे। लोगों को खेत के पास से हटाया गया ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। वहीं आसपास के गांव में भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जिस खेत में यह घटना हुई उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ था और लोग शाम तक डरते हुए खेत में भी नहीं गए। ग्रामीण बोले कि पहली बार ऐसा उन्हें देखने को मिला है। यह अजीबोगरीब घटना क्षेत्र में
पहली बार हुई है और ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहली बार इस तरह की दृश्य देखा है जिसमें जमीन न केवल फट गई बल्कि बरसाती पानी में कई फुट ऊपर उठ गई। अक्षेत्र के सुनील, राजेंद्र और सुभाष ने बताया कि वायरल वीडियो को देखकर वो यहाँ आए और इस दृश्य को देखा तो उनके मन में डर बैठ गया और कई कई फुट चौड़ी दरारें बनी हुई हैं और यहाँ यह एक अलौकिक घटना प्रतीत हो रही है। और ये मामला सामने आया है कि इसके पीछे का मेन कारण क्या था। पास में स्थित राइस मिल में काम करने वाले अनिल ने बताया कि मिल में बॉयलर चलाते समय स्टीम बनाने के लिए छिलकों का प्रयोग होता है। इसी छिलके की राख को नियमित रूप से आसपास के खेतों में खाली पड़ी जमीन में दबा दिया जाता है, ऊपर से मिट्टी की परत भी चढ़ा दी जाती है। इस बार बरसात से पहले कई महीनों से खेतों में राख दबाई जा रही थी, कुछ क्षेत्रों में इस पर जीरी की फसल भी उगा दी गई। हालांकि बरसात के बाद दो दिन पहले यह घटनाक्रम जब अचानक शुरू हुआ तो लोगों के अंदर आश्चर्य फैल गया। किसानों को फसल बर्बाद होने की चिंता हो रही है और यहाँ पर जीरी की फसल उगाई जाती है और अब फिलहाल यह सिलसिला थम गया है, लेकिन लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं। दूसरी ओर आसपास के गांव के रहने वाले जिस किसान के खेत में यह घटनाक्रम देखने को मिला है वह अपनी फसल बर्बाद होने को लेकर चिंतित है। फिलहाल अक्षेत्र के राइस मिल संचालकों से बात की जा रही है कि वह राख के इस बड़े ढेर को खेत से हटवाने का इंतजाम करे। तो ये थी एक बड़ी अपडेट, ये बहुत बड़ी घटना है, वैज्ञानिक घटना है ये, और ये जांचेंगे भी कि किस कारण ये मेन इसका कारण था।